शस्त्र और शास्त्र ये दोनों ही राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिसे अपने शास्त्रों का आभास नहीं वो समय आने पर शस्त्रों का भी अनुकूल उपयोग नहीं कर पाएगा। शायद इसीलिए आचार्य चाणक्य ने सही कहा था, जो राष्ट्र अपने मूल शास्त्रों को त्याग देता है उस राष्ट्र का विनाश निश्चित है। ऐसा क्यों कहा था आचार्य चाणक्य ने? आज यदि अपने आधुनिक इतिहास के कुछ लोगों पर दृष्टि डालें, तो उनके कार्यों को देखकर आपको भी लगेगा गलत नहीं थे वो। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा देश के कुछ ऐसे शिक्षा मंत्रियों से जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात आज के उस भारत की नींव रखी जहां अपनी संस्कृति का उपहास उड़ाना कूल है पर गर्व करना महापाप। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर का एक बड़ा ही प्रसिद्ध और कचोटता हुआ संवाद है। आपको पता है विश्वासघात की सबसे दर्दनाक बात? ये शत्रु से कभी नहीं आता। ये बात हमारे देश के शिक्षा मंत्रियों पर 100% लागू होती है। ये सत्य है कि लॉर्ड मैकाउले ने भारत के शिक्षण तंत्र को ध्वस्त करने का प्रयास किया था, परंतु देश के स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे पास इस भूल को सुधारने का एक सुनहरा अवसर भी था, परंतु इस सुनहरे अवसर को मिट्टी में मिलाने में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें अपने ही देश से नफरत करना सिखाया और हमारे देश की शैक्षणिक व्यवस्था को गलत और भ्रामक तथ्यों से ठूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस सूची में 5वें स्थान पर आते हैं सैयद नूरुल हसन। दूर से देखा तो अमन की मशाल थे, पास जाकर देखा तो जी का जंजाल थे। जितनी बुरी मेरी शायरी है उससे भी बुरी इनकी शैक्षणिक व्यवस्था थी, लेकिन चाटुकारिता के लिए मियां को इतना पुरस्कार तो बनता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इनका केवल एक योगदान रहा है और वह है 10+2+3 शैक्षणिक व्यवस्था का सुझाव देना। इसके अलावा 1972 से 1977 के बीच इन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि भारत में कभी भी एक वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था पनपने ना पाए, और जब आपातकाल के दौरान संविधान में जबरदस्ती समाजवाद और धर्म निरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए तो इन्हें शैक्षणिक व्यवस्था में भी आत्मसात करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज यदि वामपंथी खुलकर देश को नीचा दिखाने में समर्थ है तो इसमें इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस सूची में अब 4थे स्थान पर आते हैं अर्जुन सिंह। मिर्जापुर में एक बड़ा ही कचोटता हुआ संवाद बोला गया है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता कोई ना पहचाने। कहीं ना कहीं इसका नाता अर्जुन सिंह से अवश्य रहा होगा। भोपाल गैस कांड से लेकर आरक्षण और हिंदू आतंकवाद तक हर जगह अर्जुन सिंह ने अपने कार्यों से देश को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 1984 में सिख विरोधी दंगे भी हुए और भोपाल गैस त्रासदी भी। किसी भी घटना में ना तो इन्होंने पीड़ितों की कोई सहायता की और ना ही इन्होंने अपराधियों पर कोई कार्रवाई की। उल्टे वॉरेन एंडरसन को अमेरिका भागने देने में इन्होंने राजीव गांधी की भरपूर सहायता की। शायद इसीलिए इन्हें दो बार देश का शिक्षा मंत्री भी बनाया गया, एक बार 1991 में और दूसरी बार 2004 में। हिंदू आतंकवाद के झूठे सिद्धांत का प्रचार प्रसार तो भले ही पलानी अपन चिदंबरम ने गृह मंत्री के तौर पर किया हो, परंतु नींव इसी व्यक्ति ने रखी थी। 2006 में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हुए आतंकी हमले का आरोप उन्हीं पर वापस मढ़ने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न एकल विद्यालय जिनका उद्देश्य था जनजातियों का उत्थान, उन्हें भी सांप्रदायिक ठहराने का इन्होंने प्रयास किया। अभी आरक्षण पर तो हमने अपना मुंह भी नहीं खोला है। अर्जुन सिंह केवल नाम के अर्जुन थे, वरना शैक्षणिक व्यवस्था के लिए तो वे दुर्योधन समान थे। इस सूची में 3रे स्थान पर आते हैं कपिल सिब्बल। यदि आपको लगता है कि अर्जुन सिंह इस देश के सबसे निकृष्ट शिक्षा मंत्री थे तो तनिक ठहरिए, ये तो अभी प्रारंभ है। एक समय इस पद पर कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति भी विद्यमान रहे हैं जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर जीरो लॉस थ्योरी का सिद्धांत बड़े प्रेम से समझाया था, जिसे सुनकर पूरा देश एक साथ बोल पड़ा, आर यू कॉमेडी मी।
निसंदेह कपिल सिब्बल को भी चाटुकारिता का ही पुरस्कार मिला था, परंतु उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में जो देश की शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा किया उसे साफ करने में तो दशकों लग जाएंगे। चाहे CBSE का विवादित CCE प्रणाली हो या दिल्ली विश्वविद्यालय का 4 वर्ष का विवादित सिस्टम हो या फिर IIT पे प्रवेश हेतु अजीबोगरीब नियमावली हो, आप बोलते जाइए और कपिल सिब्बल ने वो सब किया है जिसने हमारे देश के शैक्षणिक व्यवस्था की नाक कटवाई हो। इतना ही नहीं, जिस बिग टेक और सोशल मीडिया पर लिबरल मीडिया मोदी सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने का आरोप लगाती रही है, जब उसी बिग टेक और सोशल मीडिया पर कपिल सिब्बल अपना डंडा चला रहे थे, तब इसी लिबरल मीडिया को सांप सूंघ जाता था। अब इस सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं प्रकाश जावड़ेकर, जिस व्यक्ति ने गर्व से कहा हो कि हमने इतिहास के पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं किया है, उसके निष्क्रियता का और क्या प्रमाण दे। प्रकाश जावड़ेकर यूं तो इस सूची में प्रथम स्थान पर होते हैं, पर निष्क्रियता महापाप की श्रेणी में तनिक कम होता है। 3 वर्ष तक शिक्षा मंत्री होने के बावजूद प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की जीर्ण शीर्ण पड़ चुकी शिक्षण व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं करना गर्व का नहीं शर्म का विषय है। लेकिन यह बात प्रकाश जावड़ेकर को कभी समझ में नहीं आई और शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने वामपंथियों को अपना विष फैलाने देने की खुली छूट दे दी, जिसके कारण आज उनमें इतना सामर्थ्य है कि वे NCERT को अमेरिकी शैली में वोक पद्धति की शिक्षा नीति लागू करने का दबाव भी डाल सकते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी का कार्यकाल सीमित था, पर उन्होंने जुबानी तौर पर ही सही परंतु शैक्षणिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए आवाज भी उठाई और इन्होंने शिक्षा नीति 2021 में व्यापक बदलाव की नींव भी अप्रत्यक्ष तौर पर रखी, जिसे देखकर लोग जावड़ेकर से यही कहेंगे, सीखो इनसे कुछ, काम आम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गर्म करते हैं ये। लेकिन इस सूची में प्रथम स्थान पर आते हैं मौलाना सैयद मुहिउद्दीन हुसैनी उर्फ अबुल कलाम आजाद। आपको याद तो होगा जब 5 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने पूरे इकोसिस्टम सहित PM नरेंद्र मोदी के शैक्षणिक क्वालिफिकेशन पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उनकी डिग्री को फर्जी बताने का पूरा प्रयास किया। परंतु क्या आपको पता है कि हमारे देश का प्रथम शिक्षा मंत्री मात्र एक मदरसा छाप है? यदि आपको विश्वास नहीं होता तो कभी इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे देशभक्त के पीछे वास्तव में आपको एक राष्ट्रद्रोही दिखाई पड़ेगा जिसने जिन्ना से भी गहरे घाव भारत को दिए हैं। उस देश की उन्नति का क्या कर सकते हैं जिसके देश का प्रथम शिक्षा मंत्री ही मदरसे की देन हो। मौलाना आजाद ने कभी भी एक आधिकारिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं की, बल्कि सारी शिक्षा उन्होंने या तो घर पर या फिर एक मदरसे में ग्रहण की। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश की शैक्षणिक व्यवस्था सौंप कर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि वे वास्तव में देश के लिए कितना चिंतित थे। यदि आज देश में गुरुकुल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, यदि आज देश में अपनी संस्कृति पर गर्व करना पाप और उसे गाली देना फैशन है, तो ये सब मौलाना अबुल कलाम आजाद की देन है, जो शायद मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा मोहम्मद इकबाल से भी ज्यादा कट्टरपंथी और विषैली सोच रखते थे और जिनकी देशभक्ति मात्र एक छलावा थी। ऐसे शिक्षा मंत्रियों के कारण ही आज हम अपने शास्त्रों से विमुख हुए हैं और इनका वास्तविक स्वरूप उजागर करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है।